हिमांशु यहाँ क्या कर रहा है तू कब से? अरे यार यहाँ पे भी नहीं। क्या ढूंढ क्या रहे तू यार? ये तो कुछ बता दी ना। चलो आशीष से पूछ के आते, ये भी कुछ ना कुछ ढूंढ ही रहा है। क्या ढूंढ रहा आशीष? अरे यार कुछ बता दे यार। आशीष इधर आ, इधर होगा, इधर आ। कहाँ पे? इधर हो। मुझे बता दो, मैं हेल्प कर दूँ। नहीं कुछ नहीं मिला लेकिन अभी तक। तुम आके ढूंढ क्या रहे हो? कंटेंट कहाँ है? अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। तो गाइस आज कंटेंट नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। इसको भी नहीं मिल रहा है, इसको भी नहीं मिल रहा है। लेकिन एक सेकंड, मैसेज किसका आ रहा है तेरे पास? गाइस मिल गया कंटेंट, आ जाओ। मैं नहीं मानता हूँ दोस्तों, जैसा कि मेरे को कंटेंट मिल गया है, आशीष अंजलि को मैं लेके जा रहा हूँ कंटेंट की तरफ, जो कि मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, ये एक इन्फॉर्मेशन पर्पस से वीडियो बनाई गई है। अगर आप एंड तक देखते हैं तो कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे, नॉलेज लेके जाएंगे। तो वीडियो को कर देना लाइक और इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। भी हम जा रहे हैं सत्यवती कॉलेज, जो कि हमारे कन्हैया नगर के पास है। A few moments later, जैसा कि हम लोग सत्यवती कॉलेज आ गए हैं जहाँ पे हमें जाना था। देन यहाँ पे जो भी फंक्शन है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो हम जा रहे हैं अभी कॉलेज के अंदर। चलो 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 जल्दी जल्दी। तो गाइस अभी हम यहाँ पे नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, अंजलि भी नाश्ता ही कर रही है। ये तो खाता ही रहता है हर जगह। हमें विशाल सर जी की तरफ से इनविटेशन आया था, देन तभी हम यहाँ पे आए हैं, ताकि थोड़ी सी मैं अपने चैनल के थ्रू थोड़ी सी जागरूकता फैला पाऊँ, क्योंकि ये अच्छी चीज है। बाकी आपको क्या लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। सो गाइस जैसा कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं विशाल जी, जो कि हमें इस संस्था के बारे में प्रॉपर बताएंगे। पहले तो सबको नमस्कार। ये संस्था के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि संस्था का नाम है दधीचि वेदांत समिति। किसी जमाने में बहुत पुराने टाइम पे सबने नाम सुना था, ऋषि दधीचि के नाम से ऋषि हुए थे जिन्होंने सबसे पहले अपना अंगदान किया था, तो उन्हीं को देखते हुए ये समिति का नाम रखा गया है और हम इसी के ऊपर काम करते हैं। हम लोग तीन तरफ से काम करते हैं, नेत्रदान, अंगदान और देहदान। नेत्रदान जो है मरने के तुरंत के 4 से 5 घंटे के अंदर हम अपनी आंखें डोनेट कर सकते हैं। देहदान एक चीज होती है, कोमा होता है, ब्रेन डेड होता है। ब्रेन डेड वो चीज होती है कि जिसमें इंसान वापस नहीं आ सकता, कोमा में फिर एक चांसेस होते हैं वापस आने के। उस केस में जो है हम अपने मैक्सिमम अंग जो है वो दान कर सकते हैं, जैसे अपना हार्ट, लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, बोन्स, स्किन, ये सब चीजों का हम दान कर सकते हैं। होता है देहदान, ये सबसे बड़ा दान है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो बच्चे स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, सर्जरी की पढ़ाई कर रहे होते हैं, ये उनके पढ़ाई के काम आती है। तो इसके ऊपर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, लोगों को जागरूकता फैलाने। पूरा साल हम लोग काम करते हैं देहदान के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों के जो घरों से जो हमें जो डोनेशन मिली होती है, डोनेशन इन द सेंस कि किसी के ऑर्गन डोनेट हुए हैं, किसी की बॉडी डोनेट हुई है, तो उस परिवार को सम्मानित करने के लिए एक दिन हम लोग अपना वार्षिक उत्सव रखते हैं और उन परिवारों को हम सम्मान देते हैं। आपकी जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन है ये काम कैसे करती है? हम लोग हॉस्पिटल और डोनर फैमिलीज के बीच में हम लोग ब्रिज का काम करते हैं। हम लोग को बस दो देखता है कि हम लोग आपसे प्लेज करवाते हैं। इस पे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं, रिटायर्ड लोग भी हैं। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है मार्केटिंग का। वो मार्केटिंग इस तरीके से होती है कि हम जैसे संडे को स्टॉल लगाते हैं, फास्ट होते हैं, धार्मिक संस्थाओं में स्टॉल लगाते हैं, अवेयरनेस के लिए फॉर्म भरे जाते हैं, लोगों से प्लेज देते हैं। ये उसके बाद फिर आता है एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन की जो है वो उसमें रिटायर्ड लोगों की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि डेथ का कोई टाइम नहीं फिक्स होगा, कब किसकी डेथ होगी, कब वहाँ जाना पड़ जाए। तो वो जो रिटायर्ड जो हमारे पास जो वॉलंटियर्स हैं वो लोग उस टाइम पे अपना फंक्शन देते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाके कोऑर्डिनेट करना फैमिली के साथ में, हॉस्पिटल में कोऑर्डिनेशन रखना, तो वो दो टीमें वहाँ फिर उस टाइप से एक्टिव होती हैं, वो लोग काम करते हैं आपस में, वो करते हैं। तो इस टाइप से मतलब एक पहला पार्ट होता है मार्केटिंग, दूसरा एग्जीक्यूशन, इस तरीके से होता है। क्योंकि जब एक डेथ के टाइम पे हम बॉडी लेने के लिए जाते हैं तो हम लोग
एम्बुलेंस लेके आते हैं पूरी डेकोरेशन, क्योंकि इतनी बड़ी एक चीज आपने करी है तो उसको हम पूरा डेकोरेट करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसमें भी खर्चा लगता है, 2-4 हजार छोटा सा एक अमाउंट एक लगता है, तो हम लोग सब अपने मिलके करते हैं सब मिलके, जितने भी आपके मेंबर लोग हैं सारे मिलके हम लोग खुद ही करते हैं। हिमांशु ने जैसे कि आपको बताया होगा कि मुझे आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछने हैं, तो मुझे ये जानना था कि आप इस संस्था से कैसे जुड़े और कब, कितने साल हो गए आपको इस संस्था के साथ काम करते करते। मेरे को मैं ऐसे जुड़ा कि आज से 25 साल पहले मेरी मदर ने बॉडी डोनेशन देने का प्लेज लिया था और मेरे को इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज है। अब क्योंकि उनकी इच्छा थी तो मैंने एज ए नॉमिनी उसने साइन कर दिया था कि मैंने कहा तुम्हें पढ़ो की इच्छा थी उसको पूरी कर लीजिए। फिर कुछ इन लोगों से मेरी जान पहचान रही, तो मेरे को मेरे किसी फ्रेंड ने यहाँ पे एक मीटिंग में लेके आए, ऐसे ही सिर्फ ऐसे फंक्शन में लेके आए और अच्छा लगा। तो जैसे अभी हिमांशु जी ने पूछा था कि कैसे जुड़ सकते हैं, उस टाइम मेरे मन में भी ये चीजें थी, तो मैंने थोड़ा जुड़ा इन लोगों के साथ उठा बैठा, तो बस फिर चीजें चलती गई और एक ग्रुप बनता गया और आज आप आपके सामने। तो मेरे को 5-6 साल हो गए एक्टिवली इसमें काम, और धार्मिक संस्थाओं में प्रोग्राम्स करे हैं, पार्कों में करे हैं और कुछ इवेंट्स भी हम लोग ने ऑर्गेनाइज करवाए हैं, स्कूल्स के अंदर हम लोग इवेंट करते हैं। स्कूल्स में अब आपको अजीब सा लगा होगा, स्कूल में इसका क्या है? स्कूल में हम लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि जब तक यंगस्टर्स नहीं आगे आएंगे ना तो आगे काम नहीं चलेगा, एग्जीक्यूशन बच्चों ने करना है और जब तक बच्चों के मन में चीज नहीं होगी तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी वो काम, इसलिए हमारा मेन मोटिव है कि यंगस्टर को एग्जीक्यूट। हमारे नोन में नहीं है, वो हॉस्पिटल जाते हैं, उनको मतलब ऑर्गन की जरूरत होती है, तो क्यों वो तो डायरेक्ट कनेक्ट होंगे हॉस्पिटल से, तो आपका इसमें आपको कैसे इन्वॉल्व करेंगे? नहीं, उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, क्योंकि ऑर्गन्स के लिए बहुत लंबी लाइन है, तो एक नोटा एक जो संस्था है उसमें आपको चाहिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है और सिर्फ फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे वो मिलती है। ऐसा नहीं कि हम लोग इस चीज के प्लेज दिलवाते हैं तो कोई हमारे पास आ जाए कि हमें किडनी दिलवा दो, आईज दिलवा दो, नहीं। इवन अगर मेरे को भी कल को जरूरत होगी मेरे को भी उसी प्रोसीजर के थ्रू जाना, मैंने जैसे बताया ना हम लोग ब्रिज का काम करते हैं इस चीज के। विशाल जी से बात करने के बाद हम चले कॉलेज के ऑडिटोरियम में जहाँ पर ये फंक्शन है और यहाँ पे वो सारी फैमिलीज आई हुई हैं जिनकी फैमिली में से किसी ना किसी ने अपना ऑर्गन डोनेट किया है। यहाँ पर उन सभी फैमिलीज के मेंबर को सम्मानित किया जा रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है। किसी को जीवन देकर जब अंतिम सफर पर जाएगा, दिल की धड़कन बन धड़केगा, किसी की नजर बन जाएगा। अंगदान कर ले रे मानव तू ईश्वर बन जाएगा। धर्म का वर्णन ना होता, ईश्वर का दर्शन ना होता, जीवन अमर रहेगा ये शरीर तो मर जाएगा। अंग दान कर ले रे मानव तू ईश्वर बन जाएगा।